नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने चारों तरफ हड़का मचा रखा है। कहीं रोड पर लोगों को मार रहे हैं तो कहीं पर लड़कियों को घरों से उठाया जा रहा है। एक अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं अब वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, उनके लिए सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ही सहारा था। ऐसे में वो लोग काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन तालिबानियों ने यहाँ भी चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। कभी रॉकेट से गोले दागे जा रहे हैं तो कभी बम। अभी बीते दिनों 3 बम दगने से हड़कंप मच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया था कि इन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। अब इन सबके परे काबुल एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, अफगानिस्तान के काबुल में सोमवार सुबह फिर रॉकेट दागे गए। सुबह करीब 6:40 बजे यहाँ काबुल एयरपोर्ट के पास बड़ी मिसाइलों से हमला किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक वाहन से इन रॉकेट्स को निशाना बनाया गया था। इन रॉकेट्स के कारण अलग अलग जगहों पर धुएं का गुब्बार उठ रहा है और कई जगह पर लोग भी यहां पर चपेट में इसके आए हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई है। आपको बता दें कई जगह आग भी लगी है और कई वाहनों को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां से 4 मिसाइलें दागी गई थी, इनमें से एक सीधे एक घर में जाकर लगी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास यूनिवर्सिटी के किनारे से एक वाहन ने रॉकेट दागे। कई रॉकेट्स को काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना को काबुल छोड़ना है और इससे पहले काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहले भी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक समेत सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका द्वारा काबुल में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें ISIK के आतंकियों को निशाना बनाया गया था। रविवार को हुई स्ट्राइक में आम लोगों की जान भी गई थी। हालांकि अमेरिका द्वारा पहले अलर्ट जारी किया गया था कि 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट पर कई हमले किए जा सकते हैं, और अलर्ट के बाद वैसा ही हुआ। 3-4 बम दगने से अमेरिकी सैनिक भी मारे गए और कई आम लोगों की जान भी चली गई। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।